चलिए गुड इवनिंग स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का एग्जाम वी सिक्सटी के इस प्लेटफॉर्म पे करेंट अफेयर रिवीजन एक्सरसाइज जहां हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास लेके आ रहे होते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस आपके सामने फिर से नए रूप में आ सके सर थोड़ी ही देर में पधार रहे हैं चलिए पधार गए प्रभात जी निकिता शाह गुड इवनिंग श्रेया सिंह सांस कैसे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग जयलक्ष्मी संदीप कुमार स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस पे पिछले कुछ दिनों में हमारी क्लासेस कुछ इरेगुलर थी बहुत सा कारण था एक कारण तो यह था कि दुर्गा पूजा का पूजा पाठ चल रहा था पर्व त्यौहार था सेकेंड कारण था कि कुछ एक आध दिन बाहर जाना पड़ा लेकिन अब क्लासेस जो आपकी होगी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस करेंट अफेयर्स की रेगुलर चला करेगी और आप ये आप पे डिपेंड करता है कि क्लासेस को आप किस तरह से आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है स्टार्ट करें सेशन बताइए सेल्वी स्टार्ट सर आ, क्या लिखा है पूरा अपना शहर टोला न्याय न्या, सबका कहानी लेके आ जाता है क्या कांड हो गया क्या इस तरह से कुछ लिखे हुए था कौन था लिखा हुआ रोहन राज चले यहाँ हम लोग पढ़ाई की ही बातें करेंगे और जब मैं आपको लिबर्टी दूंगा उस समय अब अपना कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करना हो तो वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ठीक लेकिन वो जब वो आपको ऑप्शन मिलेगा तब ऐसा नहीं कि अब क्लास चल रहा है कोई क्लास चल रहा है बीच में आपस में चैट कर रहे हैं बीच में आपस में बता रहे हैं कि मेरे मोहल्ला में ये हो गया मेरे टोला में ये हो गया मेरे शहर में ये हो गया इन सब चीज़ों के लिए यहाँ आप समय मत निकालिए यहाँ जो यहाँ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो किया जाए ठीक मर्डर हो गया अब देखिए फिर मैसेज रिटेक्ट कर लिया इस तरह की बातें यहाँ डिस्कस ना की जाए तो बेटर है गौरव कुमार नमस्ते चलिए फटाफट आप सभी लोग लाइव होइए। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं चलिए हम्म चलो सॉरी इस तरह की चीजें यहाँ डिस्कस नहीं होने चाहिए हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे अगर हमसे रिलेवेंट कोई चीज होगा तो उसके लिए आपके लिए हम ऑप्शन आपको देंगे कि आप Uh, को, कोई कोई इशूज पढ़ाई के दरमियान या एग्जाम अड्डा थ्री सिक्सटी पे कोई इशू आ रहा है तो उस चीजों के रिजोल्यूशन के लिए हम यहां हैं लेकिन अदर देन दैट आपको रिजोल्यूशन हमसे खोजिएगा तो शायद संभव नहीं हो पाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सभी को गुड इवनिंग जो भी लेट इंट्रेंट हैं रविचंद वर्षिका गौरव रश्मि रोहन राज सॉरी होने की कोई जरूरत नहीं है चलिए एकदम तगड़े ढंग से अब लगी लगिए क्वेश्चन बनाने में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ला रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन परटेनिंग टू द रिविजन क्लासेस ठीक है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट दैट इज डिजाइन टू बी अ कॉमन स्क्रिप्ट दैट कैन एक्सप्रेस ऑल द मेजर इंडियन लैंग्वेजेज एंड डेवलप्ड बाय श्रीनिवास चक्रवर्तीजी एट आई आई टी मद्रास आई आई टी मद्रास के श्रीनिवास चक्रवर्ती के द्वारा डेवलप्ड उस कॉमन स्क्रिप्ट का नाम क्या है जो सारे लैंग्वेज को इनकॉर्परेट करेगा देवानागरी भारती गुरुमुखी कल्याणी देवनागरी भारती गुरुमुखी कल्याणी जो इसका आंसर होगा आपका अब भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वन ऑफ द लार्जेस्ट अब आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए इस कॉमन स्क्रिप्ट का नाम क्या है भारती भारती एयरटेल है भारती एयरटेल आपका कॉमन सर्विस प्रोवाइडर है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है तो इस कॉमन स्क्रिप्ट का नाम क्या है भारती जो कि आई चेन्नई के श्रीनिवास चक्रवर्ती और उनके टीम के द्वारा डेवलप किया गया है और जितने भी मेजर कॉमन लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश पंजाबी गुजराती गुरुमुखी सारे लैंग्वेजेस को ये इनकॉर्पोरेट करेगा भारती इज द राइट आंसर ठीक है इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा भारती सबसे पहले करेक्ट आंसर ले कौन आया है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका भारती इज द राइट आंसर ठीक है सबसे पहले करेक्ट आंसर लेके आए हैं आप में से वन का बी शशांक शेखर शशांक शेखर का सबसे पहला जवाब मैं टॉप फाइव का नाम लूँगा जो करेक्ट लिस्ट में है बाकी लोग सी बता रहे हैं सी नहीं होगा श्रीमी गुरुमुखी पंजाबी का है गुरुमुखी जो है पंजाबी लैंग्वेज का है आयुष झा का दूसरा करेक्ट आंसर है रोहन राज बहुत अच्छे रोहन सौरभ सिंह प्रियंका राज करेक्ट आंसर क्या होगा इसका भारती इज द राइट आंसर जो कॉमन स्क्रिप्ट होगा आई टी मद्रास के श्रीनिवास चक्रवर्ती एंड टीम के द्वारा डेवलप्ड उसका नाम है भारती यस yes, भारती इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं सेकंड क्वेश्चन आरबीआई ने भोले भाले खाता धारकों को धोखेबाजों द्वारा ठगे जाने से रोकने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान के तहत किस मेगा बॉलीवुड सुपरस्टार को उतारा है खाता धारकों के हित में आरबीआई ने एक कदम उठाया है कि जो भोले भाले खाता धारक हैं किसी जालसाज के फरेब में ना आ जाए किसी तरह के ये ना जाएँ कि आपने आज एक लाख करोड़ का एक लाख डॉलर का लॉटरी जीत लिया है छोटा मोटी रकम छोड़ी एक लाख डॉलर मैंने करीब पचहत्तर लाख रुपये इस तरह का आता है आप मात्र पाँच हजार रुपये जमा खाते में करा दीजिए आपको पचहत्तर लाख रुपए मिल जाएंगे और अगर आप इनकार करते हैं तो आपके साथ बदसलूकी की जाती है फ़ोन पे ठीक तो इस तरह किसी भी जहाँ के जालसाज में नहीं आना है इस चीज से खाता धारकों को बचाने के लिए आर ने किसे रोपिन किया है बताइए उनकी पहली फिल्म का नाम बताइए तो पहली फिल्म का नाम बताइए पहली हिट फिल्म नहीं पहली फिल्म का नाम पूछ रहे हैं टू का डी बर्सिका कुमारी का सबसे पहले करेक्ट आंसर है आलोक रंजन सत्यम सिंह अपर्णा सिंह रोहन राज प्रियंका राज सभी का आंसर बिल्कुल सही है लंबे कद के आदमी है एंग्री मैंने पहली फिल्म का नाम पूछा है माई क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट विच इज द फर्स्ट फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन फर्स्ट फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन काला पत्थर बहुत आगे है बाबू काला पत्थर तो बहुत बाद में आया था कौन बनेगा करोड़पति बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए बढ़िया आगे सोले सोले 1975 की मूवी है बहुत अच्छे गुड गोइंग चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आइए एनी वन एल्स शशांक शेखर सबसे पहले करेक्ट आंसर लेके आए सात हिंदुस्तानी इज द राइट आंसर अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म है सात हिंदुस्तानी सात हिंदुस्तानी इज द राइट आंसर लवारी सब तो बहुत बाद की मूवी थी पहली सुपर हिट फिल्म का नाम बताइए अमिताभ बच्चन को जिसने एंग्री यंग मैन का खिताब दिया था उन्हें पहली सुपरहिट मूवी आनंद फिल्म में भी अमिताभ बच्चन की हिट मूवी थी राजेश खन्ना भी उसमें हीरो थे पहली सुपरहिट मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब दिया मालूम नहीं गूगल नहीं गूगल मत करिए यहाँ गूगल बाबा यहाँ बैठे हुए पहली मूवी थी सात हिंदुस्तानी और जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश किया पहली सुपरहिट फिल्म थी उसका नाम है शशांक शेखर ही करेक्ट आंसर लेके आए हैं साथ हिंदुस्तानी भी वही बताए थे जंजीर जंजीर इज द राइट आंसर ठीक है जंजीर इज़ द राइट आंसर जंजीर के बाद उनकी बहुत सी फिल्में आई थी जो आपके सोलें हैं दीवार हैं काला पत्थर हैं या जो भी फिल्म कहते हैं सारे फिल्म सुपरहिट थे और जंजीर यहां पे राइट आंसर है और अमिताभ बच्चन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भोले वाले खाता धारकों को बचाने के लिए शाहरुख खान की पहली मूवी का नाम बताओ नेक्स्ट सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के शाहरुख खान थे ना शाहरुख खान की पहली मूवी का नाम बताइए लेटेस्ट गुलाबो सिताबो इतना पुराना मूवी नहीं देखते हैं बहुत अच्छी बात है हम कहाँ कर रहे हैं आप देखिए इतना पुराना मूवी लेकिन जानकारी रहनी चाहिए आपके नॉलेज में रहनी चाहिए क्या पता क्वेश्चन घूम फिर के उसी रूप में आ जाए करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है या जीके जीएस जी एस करण अर्जुन बहुत अच्छा कौन है श्रेया सिंह सांझ मैं हूं ना बहुत अच्छे ओम शांति ओम तो 2007 8 का मूवी था जी कर नहीं करण अर्जुन नहीं है करण अर्जुन तो काफी बात की मूवी है आई थिंक उनकी पहली मूवी का नाम दीवाना है दीवाना हाँ निकिता शॉ दीवाना दीवाना बिल्कुल सही है दीवाना इज द राइट आंसर ऋषि कपूर उस फिल्म में मुख्य किरदार में थे और साइड रोल में शाहरुख खान थे और शाहरुख खान उस फिल्म में उस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में वो उनकी एंट्री हुई और उनकी पहली टीवी सीरियल का नाम जो शाहरुख खान का था उस सीरियल का नाम था सर्कस एक आम आदमी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सुपरस्टार बनता है इसका डायरेक्ट जीता जागता उदाहरण है शाहरुख खान सर्कस फिल्म से उन्होंने अपना सीरियल शुरू किया टीवी सीरियल में आए सर्कस से दूरदर्शन पर सर्कस आती थी और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री की सीरियो चढ़ते हुए आज के डेट में सुपरस्टार हैं हाँ, दीवाना एक अच्छी मूवी थी चलिए हो गया रमन चमन की बातें हो गई अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा अमिताभ बच्चन टू का डी पॉलिटिक्स पे आते हैं सारे पुराने मूवीज के बहुत अच्छे थे। स्पेशल लखनऊ एक्विटेड सीनियर बीजेपी लीडर एल के अडवाणी एंड थर्टी वन अदर्स इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस जो कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन केस हुआ था इन चार में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस आरोप से बड़ी नहीं किया गया है या इस आरोपियों की सूची में वो शामिल नहीं थे कल्याण सिंह सतीश प्रधान नृत्य गोपाल दास माधव सिंह सोलंकी लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी आदि अदर नोटिसबुल नेम थे इन चारों में से कौन ऐसे थे जो इस सूची में नहीं थे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका उस समय के गृह राज्य मंत्री थे वो माधव सिंह सोलंकी माधव सिंह सोलंकी उस समय जिस समय यह घटना घटित हुई थी उस समय के गृह राज्य मंत्री थे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका माधव सिंह सोलंकी इज द राइट आंसर माधव सिंह सोलंकी इस लिस्ट में शामिल नहीं थे किनका सबसे पहले का सही आंसर है अमनदीप सिंह सबसे पहले सही आंसर ले गए देन एस भारती वर्षिका कुमारी रश्मि झा अपर्णा सिंह करेक्ट आंसर क्या होगा माधव सिंह सोलंकी जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पाते हम लोग क्राइम अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड इंक्रीज ओवर सेवन परसेंट एंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन टाइनटीन कम्पेयर दो हजार अठारह के बनिस्पत दो हजार उन्नीस में सेवन परसेंट एस सी एस सी के अगेंस्ट क्राइम में और ट्वेंटी सिक्स परसेंट एस अगेंस्ट क्राइम में बढ़ोतरी हुई थी अब आपको यह बताना है एक रिपोर्ट किसका है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह भी याद रखना है आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आपको यह बताना है कि किस स्टेट में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस दर्ज किए गए हैं 2019 में किस स्टेट में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस दर्ज किए गए हैं बिहार राजस्थान यूपी एंड फोर्थ ऑप्शन इज एम फोर कांसर श्रेया सिंह सांच का आंसर बिल्कुल सही है सबसे पहला आंसर आया है और सबसे करेक्ट आंसर आया है फर्स्ट एप्सन शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो क्राइम हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स जो दर्ज हुए हैं एज पर द डाटा रिलीज बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इट इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द सेकेंड वन इज राजस्थान फर्स्ट है आपको उत्तर प्रदेश फर्स्ट है यूपी सेकेंड है राजस्थान थर्ड का नाम बताइए बिहार ये एस का हुआ और एस के अगेंस्ट में बताइए एस के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा कह, कहां पे हुआ है एस के शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में हां इसका करेक्ट आंसर होगा आपको यूपी शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा कहां हुआ है एमपी सेकेंड राजस्थान थर्ड ओडिशा थर्ड है उड़ीसा ठीक है राजस्थान दोनों में कॉमन है सिरूल कास्ट के अगेंस्ट में भी नंबर टू पोजीशन पे है और सिरूल ट्राइब के अगेंस्ट में भी नंबर टू पे है फर्स्ट स्टेट है यूपी uh, राजस्थान एंड बिहार एंड शेड्यूल ट्राइब्स के में आपको फर्स्ट एम पी राजस्थान एंड उड़ीसा एम पी राजस्थान एंड उड़ीसा यस क्लियर है एमपी राजस्थान एंड उड़ीसा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरह का आपके लिए आइए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुवैत के नए अमीर कौन बने हैं शेख कुवैत के नए अमीर का क्या नाम है शेख नवाफ अल अहमद अल सवाह और किसके उन्होंने रिप्लेस किया है शेख सवाह अल अहमद अल सवाह को शेख सवाह अल अहमद सवाह आउटगोइंग थे और शेख नवाफ शेख नवाफ याद रखिएगा, अल अहमद अल अलसवा इनका कॉमन टाइटिल शेख नवाफ कहाँ के अमीर बने हैं कुवैत के क्वेश्चन कुवैत का कैपिटल क्या है कुवैत सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर्स कुवैत आज अगर किसी का इसमें गलत हुआ तो उसका नाम लिया जाएगा श्रेया सिंह सांझ फाइव डी सत्यम सिंह डी अमरना सिंह अमनदीप बर्षिका रश्मि झा स्नेहा मिनु आयुष झा एस भारती निकिता शॉर रोहन एक भी गलत नहीं है ये क्वेश्चन पिछले दिन आप लोग गलत किए थे इराक आपने एक मूवी देखी होगी उस मूवी में अक्षय कुमार थे इराक उसका बॉर्डर था इराक ने उस पर आक्रमण किया था सऊदी अरबिया इसका पड़ोसी मुल्क है पर्सियन गल्फ के किनारे कुवैत बसा हुआ है करेक्ट आंसर क्या होगा इसराइल इजराइल मेडिटेरियन सी के पास है ऑप्शन डी इज द राइट देख लीजिए ये आपको मेडिटेरियन ये रहा आपको इसराइल का एरिया यहां रहेगा सीरिया ये इसराइल वाला एरिया यहां पे है और कुवैत यहां पे है मैप से जरूर गो थ्रू आप लोग एयरलिफ्ट हाँ एयरलिफ्ट नाम था यस फिल्म का नाम तो खटाखट बताता है सर वर्षिका कुमारी सबसे पहले बताई है संदीप एयरलिफ्ट हाँ हाँ इट वॉज ए गुड मूवी वो तो दिख ही नहीं रहा है वो मतलब फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इजराइल था आपका है? हाँ लास्ट ऑप्शन आपका इसराइल था अच्छा हो सकता है कहीं आ गया हो नीचे उसका सिस्टम का वो आ रहा होगा देखे हैं सर अच्छी मूवी हाँ एयरलिफ्ट हम करीब करीब सारे मूवी हम भी देख लेते हैं लेकिन है कि फिल्म हॉल में नहीं जाकर टीवी पे ही देख लेते हैं इन वच कंट्री लिबरल लीडर एलेक्जेंडर डी क्रू विल बी न्यू प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ अ सेवन पार्टी कॉलिशन गवर्नमेंट सिक्सटीन मंथस आफ्टर द पार्लियामेंट्री पोल्स सोलह महीने के पार्लियामेंट्री पोल्स के बाद वहाँ की सरकार एक नई सरकार बनी है जिसके लीडर होंगे फ्लेमिस लीडर एलेक्जेंडर डी क्रू फ्लेमिस व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिस प्लीज लेट मी नो वाट डू यू मीन बाय फ्लेमिस एलेक्जेंडर डी क्रू वॉज इज ए फ्लेमिस लीडर किस देश में ये बनी है हॉलैंड बेल्जियम चिली अर्जेंटीना सिक्स का ऑप्शन ए बी हॉलैंड बेल्जियम चिली एंड अर्जेंटीना एलेक्जेंडर डी क्रू फ्लेमिस लीडर हैं फ्लेमिस लीडर हैं पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में कि डिस्पाइट बीइंग एन मेजोरिटी पॉपुलेशन फ्लेमिस फ्लेमिस पहली बार वहां के सत्ता में आए हैं फ्रेंच स्पोकन पीपुल का पहले सत्ता था तो आंसर आपको हॉलैंड या बेल्जियम होगा ऑप्शन आइदर ई और बी देखें किसका आंसर सही है सबसे कर, पहले करेक्ट आंसर लेके कौन आया है सिक्स का आंसर ए हॉलैंड कौन वर्षिका श्रेया सिंह सांझ अर्जेंटीना सबसे पहले करेक्ट आंसर लेके आए अमनदीप सिंह सिक्स का आंसर क्या होगा बेल्जियम सिक्स का ऑप्शन क्या होगा आपको बेल्जियम इज द राइट आंसर बेल्जियम अमनदीप का सही है एस भारती रश्मि झा आयुष झा देन संदीप कुमार ऑप्शन बी बेल्जियम इज द राइट आंसर फ्लेमिश लीडर होंगे बेल्जियम फ्लेमिश एक लैंग्वेज है जो कि आपको नॉर्दर्न बेल्जियम में बोली जाती है देखिए ये आपको बेल्जियम हो गया इधर हॉलैंड है इधर फ्रांस है तो जो नॉर्दर्न पार्ट में जो बेल्जियम uh, लोग जो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं उसे ही हम फ्लेमिस करते हैं नॉर्दर्न बेल्जियम में जो जो बेल बेल्जियम के लोग लैंग्वेज डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं उसे ही हम फ्लेमिश लैंग्वेज कहते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लेमिश लैंग्वेज बोलने वाला यहाँ के टॉप पोस्ट पे या कंट्री के टॉप पोस्ट पर पहुँचा है एलेक्जेंडर डी रू करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बेल्जियम इज़ द राइट आंसर नहीं हॉलैंड नहीं हो हॉलैंड नहीं है बेल्जियम हाँ वहां का फेमस लैंग्वेज है मेजोरिटी पीपुल यहाँ स्पोक करते हैं लेकिन अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज भी वहां इंपॉर्टेंट है अभी तक ऐसा होता था कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ही प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करते आ रहे थे पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लेमिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां के टॉप पोस्ट पर पहुंचे हैं फर्स्ट डच स्पीकर यही डच स्पीकर जो है फ्लेमिश लैंग्वेज जो जो बेल्जियम में बोला जाता है इसको फ्लेमिश कहते हैं फर्स्ट डच स्पीकर टू टेक ओवर सिक्सटीन रुई डी ला लोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेसिडेंस को कहते हैं सिक्सटीन रुई डी ला लोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी आपका नया क्वेश्चन जो है आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित है आर्मेनिया एंड अजरबैजान बाकू एंड यरेवेन हैव इग्नोर्ड माउंटिंग इंटरनेशनल प्रेशर फॉर ए सीज फायर फ़ियर्स फीय दैट द कंफ्रिक्ट एस्केलेट इन एन ऑल आउट वॉर एंड ड्रॉ इन रीजनल पावर्स लाइट टर्की एंड रसा विच ऑर द फ्लाइंग कंट्रीज ए नेवर ऑफ बोथ अजरबेजान एंड आर्मेनिया जॉर्जिया टर्की रसा ग्रीस बाकू और येरबन। बाकू का मतलब हो गया आपको अजरबैजान येरबन का मतलब होगा अर्मेनिया बाकू और के बीच अभी नोवान कारखोन एरिया को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है उन दोनों के बीच फुल फ्लेजर लड़ाई चल रही है ये एरिया जो है मैंने इंटरनेशनली लीगली अजरबैजान का पार्ट है लेकिन अर्मेनियाई मूल के लोगों की वहां बहुलता है जिस कारण से उन लोगों ने क्या किया है वो मैंने अजरबैजान से अलग होके लोग अर्मेनिया सटे हुए हैं टेक्निकली अलग कंट्री है किसी देश से रिकॉग्निशन नहीं है इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्जिया दूसरा कंट्री जिसकी सीमा दोनों देशों से मिलती है बताइए इसमें ऑप्शन नहीं है टर्की की सीमा सिर्फ अर्मेनिया से मिलती है रूस की सीमा किसी से नहीं मिलती है ग्रीस की जॉर्जिया इज द राइट आंसर देखिए एक दूसरा कंट्री है ईरान आर्मेनिया की सीमा ईरान से भी मिलती है ईरान एंड जॉर्जिया ईरान आपके ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा जॉर्जिया जॉर्जिया इज द राइट right आंसर आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमाएं जॉर्जिया और ईरान से मिलती है आपके ऑप्शन में जॉर्जिया सिर्फ है ईरान नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान का जो क्वेश्चन है किसी ना किसी रूप में आपके आगे के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान द क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्मेनिया एंड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन अगर दोनों हुआ तो सर ऑप्शन आपको होगा बोथ ए एंड बी बोथ बी एंड सी इस टाइप से आएगा क्वेश्चन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन पूछने वाला गलत क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा तो कॉमन मार्किंग होगा कंट्रीज एक्सटर्नल डेप्टज एज एन एंड ऑफ जून 2020 कितना बिलियन डॉलर है पांच सौ चौवन पॉइंट पांच पांच सौ छप्पन पॉइंट नौ पांच सौ बारह पॉइंट पांच सौ चौहत्तर पॉइंट करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 2.4 बिलियन डॉलर का डिग्रीज हुआ है इसका करेक्ट आंसर होगा इसका एट का आलोक रंजन रश्मि झा आयुष झा स्नेहा मीनू वर्षिका कुमारी अमनदीप सिंह श्रेया सिंह सांस रोहन दास सभी का आंसर सही है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 554.5 बिलियन डॉलर यस एट का इज द राइट आंसर चलिए ये क्वेश्चन में बहुत सा क्वेश्चंस आपको बताना होगा इस क्वेश्चंस के अंदर जवाब इस क्वेश्चंस में आपको बहुत सा क्वेश्चंस का जवाब बताना होगा ये क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और स्पोर्ट्स आजकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो चला है द स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया साइक विल हैव हैवे न्यू आइडेंटिटी टू कीप इन साइंक विद इट्स एम्बिश फ्लाइट टू हेल्पिंग इंडिया इमर्ज अ टॉप टेन कंट्री इन द मेडल्स टेबल एट विच स्पोर्ट्स इवेंट्स अभी स्पोर्ट्स साई जो है किस मेजर स्पोर्ट्स इवेंट को फोकस कर रहा है टू ट्वेंटी ओलंपिक्स, 2028 ट्वेंटी ओलंपिक्स मिशन ओपियन पोडियम एक स्कीम था वो भी आ, खेल मंत्रालय लेके आया था 24 ओलंपिक्स 28 ओलंपिक्स एशियन गेम्स 2022, एशियन गेम्स 2026। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका एशियन गेम्स इसका आंसर नहीं है इसका आंसर आपको ओलंपिक्स है 2024 का ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है बताइए इसका करेक्ट आंसर 2024 ओलंपिक्स होगा ऑप्शन ए इज द राइट right आंसर और ऑप्शन ए कौन सा सबसे पहले बताया सब बी और सी बता रहा है कंफ्यूज कर रहा है सब निकिता सौ वर्षिका कुमारी ऑप्शन ए सही होगा इसका ऑप्शन ए 2024 ओलंपिक्स कहाँ होना है नाइन का ए बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए कहां होना है 2024 ओलंपिक्स कहां होना है बताइए इंडिया में नहीं हो रहा है बाबू 2024 ओलंपिक्स कहां हो रहा है पेरिस पेरिस बीस सौ ओलंपिक लॉस एंजलिस एशियन गेम्स बीस सौ बाईस का एशियन गेम्स चाइना और ये होगा आपको जापान इंडिया नहीं है श्रीयाज सिंह जापान। सबसे बड़ी बात बीस सौ बीस ओलंपिक्स कहाँ होना है टोक्यो में होना है 2020 ट्वेंटी जो ओलंपिक्स होना है वो कहां होना है टोक्यो बीस सौ बीस ओलंपिक्स कहां होना है टोक्यो जो कि इस साल कोविड के कारण पोस्टपोन करके कहाँ कर दिया गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन में होगा हाँ बीस सौ बाईस जो होना है वह वांग में होना है और छब्बीस जो ओलंपिक गेम का नाम है एची नैगोया जापान हाँ एचिन हो जापान और वांगवाह आपको हो जाएगा चाइना बीस सौ इक्कीस में आपको टोक्यो ओलंपिक्स होगा ये सारे आपको जो इवेंट्स हैं काफी इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ क्रिकेटिंग क्रिकेट से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है एशियन गेम्स एशियाड काफी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं हाँ अब 2021 में होगा टोक्यो में ये आपको एकदम याद रहना चाहिए चलिए इसका आंसर बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रोजन ऑल द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस एमिनेस्टी इंटरनेशनल कॉम्पैसन इंटरनेशनल फोर्ड फाउंडेशन F.C.R.A. एक्ट वायलेशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसको 2020 में अमेंड किया गया है इसे लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इंटरनेशनल जिसका क्वार्टर्स लंदन में है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल इज द राइट आंसर हेडक्वार्टर्स लंदन क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले विदाउट एनी कोविडी एज द डेथ काउंट इन द कंट्री नियर्स वन लैक मार्क भारत में करीब आज के डेट में एक लाख उन्नीस हजार के आसपास हो एक लाख सात हजार है साथ. एक लाख के मार्क के आसपास डेथ काउंट है किस स्टेट में एक भी डेथ अभी कोविड नाइनटीन के कारण नहीं हुआ है नागालैंड मिजोरम अरुणाचल मणिपुर देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एकेंस में प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की बात करता है और गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही प्रमुखता से अपने मुद्दों को उठाता रहा है चाहे वो दिल्ली के दंगों से संबंधित मुद्दा हो चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या चा, चाहे वो किसी जगह का मुद्दा हो इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाता उठाता रहा है इसलिए अगर आप इस ग्राउंड पे एक्शन ले रहे हैं तो वो गलत है एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट ने एफ सी आर वायलेशन के अगेंस्ट में एक्शन लिया है तो वो मोस्ट वेलकम स्टेप्स है क्योंकि जो भी एनजीओज इंडिया में काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कार्य करना होगा तभी वो यहां पे अपने चीजों को प्रोस्पर कर सकते हैं ठीक तो इसलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स दोनों है इसलिए इसमें आप ना इधर अब एक्यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट को ना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिएगा तो उसके विरोध में तर्क ये दिया जा सकता है अगर सब, अगर एक्यूज कर रहे हैं तो उसके विरोध में तर्की इस तरह से दिया जा सकता है अब कौन किसको क्या नहीं उठाया है? ये अलग क्वेश्चन है आप अपना जब डिबेट होगा प्रॉस एंड कॉन्स का आप स्कूल कॉलेज में डिबेट्स होते थे उस डिबेट्स में आपको कोई मुद्दा दिया जाता था इस मुद्दे के पक्ष में अपना विचार रखिए इस मुद्दे के विपक्ष में अपना विचार रखिए कभी अगर हम लोग रूबरू होंगे तो इस तरह के मुद्दों पर डिबेट कराई जा सकती है और शशांक शेखर उसमें तुम्हारा मोस्ट वेलकम होगा कि क्योंकि तुम इस तरह के इश्यूज़ को अक्सर लेके आते हो हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा जो रैशनल है तार्किक लगता है तो तुम इस चीज़ों को उस तरह के फोरम पे उठा सकते हो और अपने मुद्दों को अपने रैशनल के साथ ऐसा नहीं कोई कुतर्क करना है अपने रैशनल के साथ अपने मुद्दों को लेकर सामने आना है और बताना है कि ये जो हुई है गलत है या सही है और गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है अगर किसी को कहीं से भगाया गया तो गलत है उस चीज को रेशनलाइज नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर कोई घटना अभी घटित हुई है तो उस घटना के पक्ष और विपक्ष में आपका मत हो सकता है इससे कोई भाग नहीं सकता है ठीक शशांक चलो खुश हो गया आप करेक्ट आंसर ठीक है इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर मिजोरम होगा मिजोरम इज द राइट आंसर हाँ मिजोरम ना इलेवन का बी आई थिंक लगता है सभी का सही आंसर होगा श्रेया सिंह सांस का आंसर आ रहा है तेईस से लेकिन गलत आंसर है करेक्ट आंसर आपका है मिजोरम शशांक शेखर का सबसे पहले आया है रश्मि झा आलोक रंजन रविराज वर्षिका सत्यम इन सभी का आंसर चाहिए करेक्ट आंसर क्या होगा मिजोरम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज बेस्ड एट पुणे समान आजमी सुभाष गई शेखर कपूर न शाह फिल्म आपके करंट इवेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शेखर कपूर बैंडिट क्वीन के निर्माण से जुड़े हुए हैं इसके अलावा मिस्टर इंडिया मिस्टर इंडिया नाइनटीन कब की एटी एट्टी फाइव एट्टी सिक्स की मूवी होगी शेखर कपूर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका शेखर कपूर इज नाउ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको छोड़कर सब बीजेपी के अगेंस्ट वाले हैं सुभाष गई सुभाष गई कौन बीजेपी के प्रो और अगेंस्ट में है अब ऐसा भी मत रेशनल निकालने लगो कि सबका बाल का खाले निकाल के रख दो नसरुद्दीन शाह है वो इस तरह उनके बारे में सोचा जा सकता है सुभाष गई के बारे में किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलियटेड है अभी तक तो नहीं पता चला है या इस तरह का न्यूज कहीं पढ़े नहीं है एकदम हलवा क्वेश्चन क्वेश्चन हलवा तभी होगा जब आप उसे पढ़िएगा इसका आंसर बताइए विच अरब कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेंड एन अनफ टू द मून इन 2024 कुवैत सऊदी अरब ईरान these। आंसर बहुत फास्ट भाग रहा है लेकिन सारा आंसर गलत है एक आध आंसर सही आ रहा है बाकी सारा आंसर गलत है रविराज रविराज से कहना है ऑप्शन डी अगर ऑप्शन डी है तो करेक्ट आंसर क्या है ये बताओ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नन ऑफ दीज जिसमें होगा ना, जिस हो ना कुवैत है ना सऊदी अरब है ना ईरान है ऑप्शन डी है तो क्या बताए हैं ट्रिक क्या बताया गया है कि अरब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर मारना है उसका अगर अरब से रिलेटेड आता है नॉन ऑफ दीज है तो आंसर क्या होगा यूएई होगा अगर आपको नहीं आता है तो उसका आंसर यूएई होगा और यूएई इसका करेक्ट आंसर है यूएई अगर ऐसा करने में यूएई सफल हो जाता है तो विश्व का वह चौथा राष्ट्र होगा जिसका मिशन मून मून पे जाएगा स्पेसक्राफ्ट जिसका मून पे जाएगा कौन कौन से तीन कंट्री हैं जिनका स्पेसक्राफ्ट अभी तक मून पे जा चुका है और भारत का जो अभी मिशन गया था चंद्रयान टू वो फेल हो गया था उसके रोवर का नाम क्या था लैंडर रोवर का नाम क्या था जो लगातार समाचार पत्र की सुर्खियों में था उस लैंडर रोवर का नाम क्या था चंद्रायन टू का जो मून मिशन पे फेल कर गया था क्रैश कर गया था चंदा पर हाँ एक नासा का आर्मिटिस प्रोग्राम भी है जो कि बीस तक वहां पे सेकेंड मैन और एक वोमेन को भेजने की योजना बना रहा है वो नासा का है यूएसए चाइना रसा रसा नहीं यूएसएसआर यूएसएसआर नहीं यूएसएसआर ने भेजा था उसे यूएसए चाइना एंड यूएसएसआर या रूस भी कह सकते हो बिल्कुल सही और उस लैंडर का नाम था सुशांक शेखर अविराज पटेल विक्रम लैंडर चंद्रायन टू मिशन भारत का फेल कर गया था भारत बीस तक चंद्रायन थ्री मिशन फिर से भेजने की योजना बना रहा है यूएई अगर सफल हो जाता है तो विश्व का चौथा राष्ट्र होगा जो कि अपने मून मिशन में सफल होगा और नासा का एक मिशन चल रहा है आर्मिटिस जिसमें बीस तक वो एक मैन और वोमेन को चांद पे भेजने की योजना बना रहा है चांद से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए इतना इनफ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लैंड अटैक क्रूजी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर सरफेस टू सरफेस व सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम विच टेस्ट रेंज ब्रह्मोस मिसाइल जिसका कि नाम ब्रह्मपुत्र और मस्कावा नदी के नाम पे पड़ा है ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट कहाँ हुआ था बालासोर में मैंगलोर में बेंगलोर में विशाखापत्नम में करेक्ट आंसर क्या होगा चौदह का ए बालासोर उड़ीसा इज द राइट आंसर फोर्टीन ए फोर्टीन ए इज द राइट आंसर चलिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का आपका दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन एकदम बालासोर को लॉक कर दिए उड़ीसा फिफ्टीन का बी इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए सुशांक शेखर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर कांगो फीवर के बारे में महाराष्ट्र के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने आगाह किया है और उस सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बताइए क्या है रंग आ, क्या लिखे हो रेंग क्या है सर रेंज अब तो रेंज क्या है देखना पड़ेगा बाबू साइंस स्पेशल की क्लास होगी आपकी साइंस स्पेशल की क्लास होगी साइंस स्पेशल की क्लास आपकी डेली क्लास होगी 8 पीएम में 8 पीएम में कितने बजे क्लास है कंप्यूटर जी साइंस स्पेशल की नहीं आज देखिए एट आठ बजे से है शायद वह देख के बताइए हम बता रहे हैं कंफर्म कर रहे हैं हाँ अभी लक्ष्मीकांत हिमांशु का बिल्कुल सही है इस क्लास के जस्ट बाद हम लोग फिर से मिल रहे होंगे आज भंडारा होगा ना कोई बिल्कुल भंडारा होगा वर्चुअल भंडारा बिल्कुल आपका है आप सभी का स्वागत है 7 पीएम में फिर से बात करके आप देखिए चेक कीजिए उनसे हिमांशु जी से फिर तो मामला फंस जाएगा ना क्या फंसेगा बताओ मैथ स्पेशल नहीं आज मैथ स्पेशल की क्लास नहीं है मैथ स्पेशल की क्लास आज नहीं है पालघर है पालघर डिस्ट्रिक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट है देखिए क्वेश्चंस आपको कोई भी आएगा एग्जाम में आप निश्चिंत रहें कि क्वेश्चंस आपको उसके मुख्य बुंदियों से ही क्वेश्चन आता है बहुत रेयर इस तरह की घटनाएं रहती है कि क्वेश्चन आपको बहुत इस तरह से जाएगा जो हम लोग उसको कहते हैं बाल छाल के कोई होता है ना उसको छिलते जाओ पत्ता छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ अंत में क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो वो उस तरह क्वेश्चंस नहीं आता है क्वेश्चंस आपको आपको जो उसके मुख्य बिंदु रहती हैं, उसी मुख्य बिंदु से ही क्वेश्चन आता है आज का साइंस स्पेशल आठ बजे से है ठीक है चलिए तो आप सभी लोग हमसे जुड़िए आज शाम में सेवन पीएम में जहां हम लोग धनंजय सर और दीपेंद्र सर आपके दो चहेते सर इनका आज क्या है बर्थडे है एक ही दिन बर्थडे है तो आपके लिए भी ये एडवांटेज है एक ही साथ उन्हें खुद आकर लाइव आकर आप उन्हें बर्थडे विश करें और पढ़ाई लिखाई के बीच में कुछ हल्के फुल्के क्षण भी होना चाहिए और आप जो हल, आपका एन्जॉयमेंट होगा वो एन्जॉय करें एकदम मिलेगा सभी को मिलेगा वर्चुअल केक आप सभी के लिए अवेलेबल है वर्चुअल केक आप सभी के लिए अवेलेबल है जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो आप लोग सर को कहिएगा कि सर हम लोग ओरिजिनल केक खिलाइए उस समय हम भी आपके साथ रहेंगे ठीक है चलो टेक केयर बाय मिलते हैं आपसे सात बजे सेवन पीएम